हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है एक बार फिर से बिग बॉस के अड्डे में। आज मेरे साथ है प्रशांत, यास्मिन और दर्शिका। बिग बॉस 13 में जब से वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई है, तभी से खूब सारा धमाल देखने को मिल रहा है। घर में लड़ाइयां तो खूब हो रही है, लेकिन कुछ लोगों के दिल भी मिलने लगे हैं। वहीं चलिए आज के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले प्रशांत से कि कल के एपिसोड में क्या कुछ खास देखने को मिला। तन्वी, कल का एपिसोड सच बताऊं तो मुझे कल का एपिसोड सबसे ही अच्छा लगा, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे को रश्मि और सिद्धार्थ को साथ में देखना था और वो देखने को भी मिला। जिस तरीके की उनकी बिग बॉस ने एक टास्क दिया था, बेसिकली उन्हें अपना जो शो आता था दिल से दिल तक हिट शो, उसी को रिक्रिएट करना था। तो कुछ एक वीडियो बनानी थी जिसकी डायरेक्टर शहनाज बनी थी रश्मि और सिद्धार्थ वाले पार्ट की, तो उन्होंने इतना अच्छा डायरेक्शन भी किया और एक्टिंग तो मैं क्या ही कहूँ, ऐसा लग रहा था मतलब रियल में ही हो। जो उनकी बीच की केमिस्ट्री थी, चाहे वो स्विमिंग पूल में इतना कोजी होना, बेडरूम वाला और सेल्फीज लेना उन्होंने, और वो एक किस जिसके लिए पारा से भी वो बोलती है कि मैंने ऐसा आज तक कभी नहीं किया है, पर उसने बोला कि बाहर फैंस को अच्छा लगेगा, तो फैंस को भी अच्छी लग रही है चीज़ें, तो इनका बहुत रोमांटिक एंगल देखने को मिला। वहीं मुझे थोड़ा सा माहिरा और उस विशाल को देखकर काफ़ी फनी लगा, ना ही तो पारस अच्छे से डायरेक्शन कर पाए, और वहीं दूसरी तरफ वो उन दोनों के बीच की कोई केमिस्ट्री देखने को ही नहीं मिली। अगर इसकी जगह पारस और माहिरा होते तो शायद ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता। इसके अलावा कल एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, जो कि कल मंडे था तो नॉमिनेशन होता है, तो इस बार 6 लोग नॉमिनेट हो गए हैं। खंजर दो कंटेस्टेंट ने लोगों के सबके खंजर भोंके, जिनमें कि 6 लोग नॉमिनेट हुए, जिनमें हिंदुस्तानी भाऊ, शेफाली जरीवाला, शहनाज गिल, माहिरा शर्मा, आरती, पारस छाबड़ा, ये 6 लोग नॉमिनेट हो गए हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हो नहीं रहे थे नॉमिनेट, वो भी इस बार नॉमिनेशन में आ गए, तो इस बार ये देखना रहेगा कौन बाहर होगा। तो यही सब कल देखने को। यास्मिन, जैसे प्रशांत ने बात करी नॉमिनेशन टास्क हुआ कल, आज की हमारी पूरा मुद्दा भी यही रहेगा, नॉमिनेशन टास्क के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमने देखा कि कल 6 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं। माहिरा शर्मा को, हिमांशी खुराना एज अ कैप्टन, उनको एक मिलता है कि आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकती हैं, तो वो माहिरा को कर देती हैं। उसके बाद 5 लोग और नॉमिनेट हुए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है इस बार घर से कौन बेघर होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि माहिरा को ऐसे मतलब वो होना चाहिए उन्हें, क्योंकि मतलब उनका ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और दूसरा मतलब आरती का भी एक मुझे लग रहा है कि आरती भी है इस, मतलब अगर माहिरा और आरती में से ही मुझे लग रहा है कि यही दोनों को होना चाहिए किसी एक को। दर्शिका, किसको बाहर जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आरती को जाना चाहिए, क्योंकि आरती मतलब वो कहते हैं कि इंडिविजुअल खेल रही हूँ मैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब पहले सिद्धार्थ की टीम में थी, फिर वो मतलब हिमांशी और शेफाली के साथ बैठने लग गई, अब उनका एक वो ग्रुप बन गया है, वो सिद्धार्थ से एक्सपेक्ट करती हैं कि वो चीज़ें बोलें, उनके लिए स्टैंड लें, सारी चीज़ें करें, लेकिन जब दोस्ती ही नहीं है और बाकी वो मतलब जो वो करती हैं वो चाहती हैं कि सामने वाला भी वैसा ही करे मेरे लिए, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है। और वो कहीं ना कहीं सच में कन्फ्यूज हैं कि वो उन्हें करना क्या है, वो इंडिविजुअल खेलना चाहती हैं पर खेल नहीं पा रही हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हाँ, उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल खेल रही हूँ, लेकिन घूम फिर के वो आ जाती हैं सिद्धार्थ शुक्ला के पास ही, और मतलब उनका गेम वहीं से शुरू होता है, वहीं पर ख़त्म हो जाता है, ऐसा दिखता है। प्रशांत, कौन घर से बेघर होना चाहिए? मुझे लगता है आरती घर से बेघर होनी चाहिए, क्योंकि आरती जिस हिसाब से गेम खेल रही है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग जा रही है, और स्टार्टिंग से मुझे वो कोई खास गेम खेलती नजर नहीं आई है। इवन माहिरा उनसे फार बेटर हैं थोड़ी सी, तो मेरे हिसाब से आरती बेघर होनी। प्रशांत, तुम्हारी नज़रें हमेशा रहती है कि जैसे ही कोई नॉमिनेट होता है तो सोशल मीडिया पर हमेशा वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से पता चल जाता है कि कौन आगे है कौन पीछे है, तो इस बार 6 कंटेस्टेंट जो नॉमिनेट हुए कौन आगे है और कौन पीछे? देखिए, वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से अगर अभी इन 6 में कोई सबसे आगे है तो वो हैं शहनाज गिल और शेफाली जरीवाला। इन दोनों को ही सबसे ज़्यादा वोट्स मिल रही हैं अभी के हिसाब से, पूरा भी हफ्ता बाकी है बट अभी स्टार्टिंग से इन दोनों को ज़्यादा वोट मिल रही हैं। वहीं अगर डेंजर जोन में देखा जाए तो वो आरती, पारस, माहिरा हैं, तो इन तीनों में खतरे की घंटी इन तीनों को लेकर के है। तो वहीं जैसे कि हम लोग भी कह रहे हैं कि आरती जा सकती है, वहीं वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से भी आरती को कहीं ना कहीं वोट्स कम मिल रही हैं आरती और माहिरा को, तो इन दोनों में से शायद कोई आउट हो सकता है। यास्मिन, कल का जो नॉमिनेशन टास्क था उसमें आरती सिंह को जब पारस छाबड़ा उन पे खंजर डालते हैं, जब उनको नॉमिनेट करते हैं, तो वो काफ़ी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो आरती को पसंद नहीं आती, और फिर बाद में काफ़ी बवाल होता है, आरती खूब रोती है, उन्हें पैनिक अटैक आ जाता है, फिर वो सिद्धार्थ के पास जाती हैं, तो उस पूरे मामले में तुम्हारा क्या कहना है?
हाँ, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आरती कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर ली थी सिद्धार्थ से कि वो उनके लिए कुछ स्टैंड ले, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी आरती और पारस के बीच में, ये दोनों ही सेम लेवल पर बात कर रहे थे। जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि आरती ने सिद्धार्थ से ये कहा कि आपने क्यों नहीं स्टैंड लिया मेरा, वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें रोते हुए भी देखा गया, उन्हें पैनिक अटैक भी आ गया, तबीयत भी उनकी काफ़ी बिगड़ी थी कल देखा गया है। तो मैं इस चीज़ पे तो नहीं कहूँगी कि हाँ वो फेक है या फिर रोना उनका फेक लगा, इस चीज़ को मैं नहीं बोलूँगी कुछ। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, फिर दूसरी तरफ सिद्धार्थ भी कहीं गलत नहीं थे, वो क्यों बोलेंगे, क्योंकि सेम लेवल पर ही दोनों जब झगड़ा कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं हुई है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिद्धार्थ का बोलना कोई बनता नहीं था, तो सिद्धार्थ यहाँ पर सही लगे हैं। दर्शिका, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला ने आरती को ये भी बोला था कि जब मेरी आसिम से लड़ाई हो जाती है तुम आसिम से बात करते हो, जब मेरी किसी से भी लड़ाई हो जाती है तुम मुझसे बात करते हो, तो मैं तुम्हारा अगर मतलब जो उनका पूरा बोलने का मतलब था सिद्धार्थ का, वो यही था कि तुम अपने लिए स्टैंड ले रही थी उस वक्त पारस छाबड़ा, तुम बराबर में लड़ रहे थे जैसे यास्मीन ने बताया। लेकिन क्या लगता है इसे सिद्धार्थ शुक्ला को बोलना कि तुमने स्टैंड क्यों नहीं लिया, वो सही है या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ के लिए जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, वो कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद करती है कि वो चीज़ें करें, उनके लिए स्टैंड ले, उनके साथ खड़े हों, उनसे बात करें। जैसे इनका ग्रुप था पहले, वो आसिम से मतलब सहनाज से वो चिढ़ती थी कि मतलब अगर लड़ाई झगड़ा इनका हो गया तो आसिम से भी इन्होंने कुछ दिन बात करनी छोड़ दी, सहनाज से भी छोड़ दी, लेकिन ये सिद्धार्थ के साथ हमेशा से खड़ी रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आसिम की और इनकी लड़ाई भी सिद्धार्थ की लड़ाई हुई थी तो वो आसिम के पास चली गई थी, क्योंकि वो मतलब सिद्धार्थ को कहीं नहीं छोड़ सकती अकेले, और वो कहीं ना कहीं वो चिढ़ती हैं अगर उनके कोई क्लोज आता है तो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम मतलब वो सिद्धार्थ अपनी जगह सही थे, वो स्टैंड नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि बराबर की लड़ाई चल रही थी, वो बीच में कूद के अपना ही नुकसान करते, क्योंकि अभी उनकी पारस से और माहिरा से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। आरती हाँ जो सोच रही थी कि वो मेरे साथ खड़े हो, तो उनका सोचना मुझे गलत लग रहा है अगर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी जगह पर अगर सहनाज होती तो सिद्धार्थ खड़े होते, क्योंकि वो उन्हें मतलब एक है कि मतलब जैसा वो आरती सोचते हैं सिद्धार्थ के बारे में, वैसा वो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शहनाज के लिए सोचते, तो वो खड़े होते। पर मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ अपनी जगह सही है, और आरती ने जितनी बराबर की लड़ाई की और मतलब पारस का मुझे ये है कि जिस तरीके से वो आजकल लड़कियों पे कमेंट्स कर रहे हैं वो बहुत गलत जा रहे हैं, और बहुत गंदे गंदी चीज़ें बोल रहे हैं, जैसे हिमांशी को उनकी बॉडी शेमिंग जो की, और उसके बाद से उनको शिफाली को बोलना कि शादीशुदा है और लड़कों के साथ बैठ रही है, सो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसी तरह से उनके मतलब अंडरगारमेंट्स के बारे में आरती को बोला, और सरेआम तो वो बहुत गंदा था, और जिस चीज़ को लेकर उनकी जितनी भड़ास थी, आरती ने बराबर की लड़ाई की और मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पे कोई कम था दोनों में से। प्रशांत, क्या लगता है सिद्धार्थ और उसमें कौन सी? मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को थोड़ी बहुत साइड ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि आरती को अगर देखा हो डे वन से ही, चाहे वो कहीं पर भी जाएं, किसी के पास भी जाएं, आरती सिद्धार्थ के साथ रहती ही रहती है। उन्होंने कल भी बोला कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, अगर वो इतना ज़्यादा अपने आगे से करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिद्धार्थ को भी उन्हें पे बैक देना चाहिए था। अगर लड़ाई वैसे वो कितनी बार उन्होंने आरती के लिए किया है, भरी अब चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं, थोड़ी लड़ाइयाँ हो गई हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, चाहे बात बराबरी की ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर दोस्त है तो सामने वाला करता ही है कि हाँ वो मेरे लिए कुछ तो बोले। अब जैसे कि तुमने देखा हो कि आरती सिद्धार्थ के साथ जो लड़ाई लोग करते हैं उनके साथ भी बात करती हैं, तो ऐसे शहनाज की भी आरती से बहुत लड़ाई होती है, लेकिन शहनाज सिद्धार्थ शहनाज से बात करते हैं। अब माहिरा से भी सिद्धार्थ का थोड़ा बहुत सहयोग है, तो जहाँ एक तरफ आरती बाकी लोगों से बात करें, वहीं सिद्धार्थ भी दूसरे लोगों से बात करें, तो वहाँ सिद्धार्थ को ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी कि तुम उन लोगों से भी बात कर रही हो और वो, क्योंकि तुम भी बात कर रहे हो और लोगों से, लेकिन अगर लड़ाई भी हुई है तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए हमेशा से खड़ी रही है, हमेशा। इवन अब भी बोली भी उसने, कल हिमांशी को भी ये चीज़ बोली कि मैं अपनी लॉयल्टी रखूंगी और मैं एंड तक जब तक भी रहूंगी, चाहे वो कुछ भी करे मैं उसका सपोर्ट करूंगी, चाहे वो दूसरे वाले का भी करे, लेकिन उसका भी मैं करूंगी ही करूंगी। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को ये चीज़ को लेकर के थोड़ा बहुत अगर कुछ भी वो बोल देते कि पारस को चुप हो जाए, ऐसा मत बोल, तो थोड़ा सा सही रहता। कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि जैसे कि प्रशांत ने कहा यहाँ पे, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने एक स्टेटमेंट कही थी कि
कि अगर कुछ ज़्यादा बड़ा होता अगर तो फिर मैं वहाँ पे आता तो समझ में आती, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मल सी एक लड़ाई थी जो आप ये दोनों ही सेम लेवल पे बात करते हुए दिख रहे थे, तो इसमें मेरा बोलना नहीं बनता था। तो ये बात एटलीस्ट उन्होंने कही कि बहुत अगर कुछ ज़्यादा होता तो इसमें ऐसा लगता है कि जहाँ पे जब वो रो रहे थे, मतलब आरती रो रही थी और सिद्धार्थ वहाँ पे उनसे बात करने के लिए आए थे, तो उस टाइम पे सिद्धार्थ को एक दोस्ती दिखानी चाहिए थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी उस टाइम पे और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, अगर उनके बात करने से, थोड़ी सी बात करने से वो ठीक हो सकती थी, तो उन्हें साथ देना चाहिए। अगर ठीक भी नहीं, चलो उन्होंने नहीं भी बात करी, अगर वो रो भी रही थी, दो तीन बार वो रोती नजर आई, अगर उनके पास भी आए थे आते वक्त, मैं तो गलत आया, मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था, बड़े उससे वो बोल गए, चलो उन्होंने करा, थोड़ा हक कर लेते या सहला देते कि हाँ चलो सॉरी, चलो कोई भी सॉरी, शेफाली आई, हाँ कि चलो ठीक है कोई नहीं अगली बार से, कुछ भी थोड़ा बदबू कर देते तो शायद वो चीज़ अच्छी लगती, वो तो उल्टा ही एटीट्यूड में चले गए, तो वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती। पर मतलब ऐसा है कि कोई जगत माता बनने के लिए नहीं आया है ना, तो यहाँ पर वो जाके क्यों कंसोल करेंगे, मेरा ये कहना है। जगत माता वाली कोई बात ही नहीं है ना, अगर तुम्हारे बीच में अगर दोस्ती है, तुम किसी को दोस्त मानते हो, अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला थोड़ा भी तुम्हारे लिए कोशिश करे, तो उस चीज़ में कोई जगत माता वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर सिद्धार्थ पहली बात उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और अगर वो रो भी रही थी तो थोड़ा उनको चुप भी करा देते कि चलो छोड़ मत, रो भी करते तो सही रहता। यास्मीन, अगर बात करें पारस छाबड़ा की, जैसे उन्होंने कमेंट्स कर रहे हैं वो आजकल, जैसे दर्शिका ने बोला, तो कहीं ना कहीं अब उनको अपने वर्ड्स के साथ केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ डे जैसे करते थे, वो भी लड़कियों को लेकर काफ़ी कुछ बातें बोलते थे, तो तुम्हें क्या लगता है इस पर? बिल्कुल, क्योंकि मतलब अभी कल ही देखा गया कि उन्होंने आरती को लेकर बोल दिया, कुछ वैसी बातें कहीं जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी सबके सामने। उसके बाद फिर इससे पहले हिमांशु को भी कहा था उन्होंने, काफ़ी कुछ कह दिया था कि मेरा टेस्ट ऐसा है ही नहीं, इसलिए तो मैंने तुम्हें बहन बनाया है। तो इस तरह से लड़कियों से नहीं बात करनी चाहिए, उन्हें केयरफुल तो रहना चाहिए। साथ ही ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, इवन उनके जो ग्रुप की मेम्बर हैं रश्मि जो है, उन्होंने भी कहा, पार्टी समझाया, हाँ, कि तुम्हें ये सब चीज़ों की ध्यान देनी चाहिए, तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। इस पर बोलना चाहूँगा कि एकदम सही बात है, किसी भी लड़के को इस हद तक तो नहीं जाना चाहिए, चाहे लड़कियां अपनी लिमिट भी क्रॉस करें तो भी लड़कों को रहना चाहिए लिमिट में, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़के ही ज़्यादा बदनाम होते हैं उस चीज़ को लेकर के। लेकिन अगर किसी को बार बार नामर्द और उल्टी सीधी अगर लड़के को भी इस तरीके से चीज़ कही जाए, तो तब वहाँ पर लड़कियाँ स्टैंड क्यों नहीं लेती हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। और लड़के भी नहीं लेते लड़के को लेकर के, क्योंकि लड़के को लेकर ये है ही चीज़ कि लड़की लड़के को कुछ भी बोल सकती है, लेकिन लड़का लड़की को कुछ नहीं बोल सकता। अगर उस लड़के ने एक लड़की को कुछ भी बोला तो फिर तो गलत बात है ही, वो तो नहीं करना चाहिए। पारस की गलती है, पारस को अपने वर्ड्स पर कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों को भी ये हल्के में नहीं लेना चाहिए कि वो कुछ भी नामर्द बामर्द अगर लड़का लड़की को बोल दे कि तुम लड़की ही नहीं औरत ही नहीं, तो कितना गंदा लगेगा। अगर एक लड़की लड़के को नामर्द बोलती है वो चीज़ बहुत नॉर्मली हल्के से छूट जाती है, तो कहीं ना कहीं लड़का लड़की दोनों को ही ज़ुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। और रही बात पारस की, तो हाँ पारस आजकल ज़्यादा कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि वो वरना फिर जो लोग बाकी के करते हैं उन्हीं की तरह दिखेंगे। जाते जाते बात कर लेते हैं अपकमिंग एपिसोड की, क्या होने वाला है? अपकमिंग में एक लेक्चर क्लासरूम दिखाया जाएगा जहाँ पर ये सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, घर वाले जो हैं स्टूडेंट्स रहेंगे, और शहनाज जो है वहाँ पर लेक्चरर का रोल प्ले करने वाली हैं। लेकिन इसी के साथ ये हंसी मजाक के साथ ये भी दिखाया जाएगा कि आसिम और शहनाज के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होगी, इन दोनों के बीच में ही नहीं, इवन शेफाली भी वहाँ से क्लासरूम से उठकर चली जाती हैं। तो मतलब इतने एंटरटेनमेंट के साथ साथ बवाल भी होने वाला ही है। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही, हम आपके लिए बिग बॉस का अड्डा लाते रहेंगे। आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि इस बार आप किसे चाहते हैं घर से बेघर हो। इस बार नॉमिनेट जो हुए हैं कंटेस्टेंट्स वो है मायरा, पारस, आरती, शहनाज, शेफाली और हिंदुस्तानी भाव। आप इनमें से किसे बचाना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।